फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल, और मैं हूँ निहारिका। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ग्रो योर आईलेसेस। एक्चुअली हमारी आईलेसेस की हम ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मस्कारा और काजल को लगाने के कारण हमारी आईलेसेस झड़ जाती हैं, जबकि हमारी आईलेसेस की हमें बहुत टेक केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे फेस में आंखें सुंदरता को बढ़ाती हैं। और हमारी जो आईलेसेस होती हैं, वो आंखों की सुंदरता को बढ़ाती हैं। इसलिए मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी, जिस होम रेमेडी से आप अपने आईलेसेस को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमें इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल। तो फ्रेंड्स, हमें ये ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 टेबल स्पून चाहिए मस्टर्ड ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल, ये मेरे घर का है इसलिए इसमें कोई भी केमिकल नहीं, इसलिए मैंने ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। अगर आपके पास आपके घर का मस्टर्ड ऑयल ना हो तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए ये कैस्टर ऑयल। इसमें विटामिन ई, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आईलेसेस को हेल्दी और उसकी ग्रोथ करती हैं। यदि आपके आईलेसेस झड़ गए हैं तो फिर से उसकी ग्रोथ करने में ये कैस्टर ऑयल बहुत बड़ा रोल निभाता है। हमें चाहिए थोड़ा सा रोज़ वाटर। ये रोज़ वाटर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये आँखों को फ्रेश फील कराता है, और रात में जब आप थक करके अपने ऑफिस से आते हैं तो रात में जब आप सोते हैं तो उसके पहले ये आप ये आईलेसेस यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैंने इसमें ये विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करूँगी। एक कैप्सूल मैं इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि ये विटामिन ई हमारे आईलेसेस की ग्रोथ में हमारी हेल्प करेंगी और उसे काफ़ी हेल्दी बनाएंगी और वो दोबारा झड़ेंगी नहीं, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देंगी उन्हें। ये जो मैंने लिया है, ये आप जो है लेमन को घिस करके उसका जो छिलका होता है और उसे आप धूप में सुखा दीजिए 2-3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद ही आप ये ऑयल बनाएं, उसके बाद जो है आप इसे यूज़ करें। ये सूखा हुआ है इसलिए अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लेमन का छिलका है जिसे आपको घिस के 3 दिनों के लिए रख देना है। उसके बाद इसको रखने के लिए मैंने ये झंडू बाम का ये डिब्बा था मेरे घर में खाली, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी अगर आपके पास आपकी आईलेसेस जो मस्कारा होता है उसका जो अगर डिब्बा हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास यही था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और आपके पास में ये पुराना मस्कारा लगाने वाला हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए रोज़ रात में। मेरे पास ये एक पड़ा हुआ था तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। यदि आपके पास ये ना हो तो आप ये ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं रोज़ रात में, ऐसा ब्रश तो हर किसी के पास होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसेस। 1 टेबल स्पून मैंने ये कैस्टर ऑयल लिया है और मैं इसमें इस मस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। मैं डाबर का रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। आपको जो सूट करता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप पतंजलि का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें विटामिन ई कैप्सूल मिक्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक यूज़ कर रही हूँ। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हमें इसमें ये जो सूखने के लिए रखा था हमने लेमन के छिलके का, थोड़ा सा वो ऐड कर देना है। और इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। डाल देना है। ध्यान रहे ये आप छानेंगे नहीं,
क्योंकि लेमन में विटामिन सी होता है जो आपकी आईलेसेस की ग्रोथ में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नींबू के छिलकों को बिल्कुल भी, ये मैंने 2 मंथ के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप इसे 9 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और इसे लगाना कैसे है, रोज़ रात को जब आप सोने लगे तो उसके पहले आपको एक ब्रश लेना है और इस ब्रश को इस ऑयल में डुबो करके अच्छे से अपनी आईलेसेस में लगाना है। आईलेसेस आपकी पूरी तरीके से भीग जाए। उसके बाद आपको इस एब्रो में भी लगाना है। उसके बाद आप इसे अच्छे से बंद करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आईलेसेस की ग्रोथ के लिए ऑयल। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टिप्स के साथ में। तो चलते हैं फ्रेंड्स।